وأحسن منك لم قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب किताब बरकत वाली है जिसे हमने आपकी तरफ नाजिल फरमाया है ताकि दानश मंद लोग इसकी आयतों में गौर विक्र करें और नसीहत हासिल करेंदमदरत मतलब वरम वूर बकरा दर्श नंबर दो सौ उनतीस आयत नंबर दो सौ उनहत्तर हिस्सा चहारम आज का मौजू हम हिकमत और दानाई कैसे हासिल कर सकते हैं इसके साथ आज के सबक का आगाज करते हैं सबसे पहले गुज्तर सबक का अदा होगा पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूत से

वो जिसको चाहता है दानाई बख्शता है और जिसको दानाई मिली बेशक उसको बड़ी नमत मिली और नसीहत तो वही लोग करते हैं सनकर है। बकरा आयत नंबर दो सौ उनहत्तर तिलमत मैशाओ अल्लाह तता करता है जिसे चाहता है वह मै तल हमत फ़कत ऊतिया खैरन कसीरा और जिसको भी हमत यानी दानाई आता कर दी गई उसको एक बहुत खैर कसीर का मालिक बना दिया गया व मायज करो अलबाब अलबतः इससे नसीहत हासिल नहीं करते लेकिन जो अक्लमंद है सामने काम अक्लमंद बनने की ज़रूरत है कम अकल बेवकूफ़ बनने से आपका नुकसान होगा आज हम लोग बेवकूफ़ बने हुए दुनिया को मकसूद बना लिया है दुनिया ही की कामयाबी को हम असल कामयाबी समझते हैं एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी भी है और कम अकली भी है देखिए अक्लमंद अल्लाह ताला ने हमें अक्ल दी है वजालबस अफा अल्लाह ने फरमाता है कि मैंने तुम्हें समात बसारत और दिल दिया है सोचने के लिए सोचना चाहिए बहरहाल आज की जो आयत जो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं हमें खैर कसीर की ज़रूरत है सामने राम सूर्य कौसर का अगर आप मतलब करें ना तो उसमें इना आते ना कल कौसर कि हमने आपको कौसर अता की कौसर क्या है खैर कसीर। क़ुरान में कौसर जो है वो यानी दुनिया में कौसर जो है खैर कसीर उसका वाहिद मंबा जो है वो क़ुरान पाक है ज़ाहिर है कि ये अल्लाह ताला का कलाम है और इसमें खैर नहीं होगी और कसीर खैर नहीं होगी तो किस और चीज़ में होगी अल क्रन और साहिब कुरान ये दो चीज़ें जो हैं इन दोनों चीज़ों पे आपने फोकस करना है और इसी को इसी से आपने फ़ायदा लेना है और यही खैर का मंबा है देखें वो फरमाते हैं ना कि हौज कोसर से जिसने एक बार पी लिया उसको प्यास नहीं लगेगी फिर ये दरअसल कुरान है कुरान को आप हिरज बना लें कुरान को आप अपने लिए हिदायत समझ लें और हिदायत लेना शुरू कर दें इनशाला आपको आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी तमाम प्यास जो दुनियावी है वो ख़त्म हो जाएगी इस वक्त तो देखें हम प्यासे हैं लेकिन दुनिया की प्यासे में दुनिया की ये हो जाए वो हो जाए और मुख्तलिफ औकात में हमारे प्यास के अंदाज़ जो हैं वो बदलते रहते हैं कभी की प्यास है आप देखें मुख्तसर मैं अब आप आपको बात बता रहा हूँ प्यास आप देख लें बचपन से लेकर बुढ़ापे तक आपको मुख्तलिफ प्यासें होती हैं और दुनिया की प्यास ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इंसान बूढ़ा होता चला जाता है लेकिन दो चीज़ें जो हैं दो ख्वाहिशात इसकी जवान होती रहती हैं एक माल और एक उम्र, इसकी प्यास नहीं बुझती। आप देख लें एक इंडस्ट्री मिसाल के तौर पर अर्ज़ करूँ इंडस्ट्री कोई लगा लेता है तो वो इंडस्ट्री जो है फिर बच्चे देने लगती है फिर बन जाता है ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ ये समझ के लिए ये एक बात नहीं है आपने एक दुकान खोल ली फिर बंदू भाई ने तिक्का तक, चला लिया कराची में फिर उसकी फ़र्नाचाइज अब चमन हमारी आइसक्रीम है <coughs> चमन वाले अगर सुन रहे हैं तो वरा ना माने लेकिन आप देखें फिर उन्होंने फर्नाचाइज देनी शुरू कर दी और सप्लाई देनी शुरू कर दी बुरी बात नहीं है दुनिया का माल कमाना जो है वो बुरी बात नहीं है लेकिन इसको मकसद बना लेना इसको महबूब समझ लेना इसी को मतलूब समझ लेना ये बुरी बात है हमें पैसा मख्तसर ये है सामने क़राम कि हमें खैर कसीर की ज़रूरत है हमत और दानाई की बात क्या है ये खैर कसीर है और देखें हकमत ये तो असल में हम हमत के तलबगार ही नहीं दानाई के तलबगार ही नहीं है तो वो एक अलग बात है आप जिस चीज़ के तलबगार ना हो वो चीज़ आपको नहीं मिलती तलब से जो है कोशिश पैदा होती है एक चीज़ की तलब है सबसे पहले तो आपको मैंने बताया भी है दोबारा बता रहा हूँ सबसे पहले ज़रूरत एक चीज़ की ज़रूरत ज़रूरत से तलब पैदा होती है तलब से कोशिश वजूद में आती है कोशिश से फिर वो मंजिल मिल जाती है जिसके लिए आप जिसको आप तलब करते हैं अरबी का एक मशहूर मक़ूला है मन तलबा फ़कत वजदा और जिसने तलब की उसने पा लिया अब जाहिर है ये तो तमाम दुनिया में भी ऐसा ही होता है कि आप यानी एक तालब इम अगर शौक़ से तालीम हासिल करता है तो वो मंजिलें दर्जा ब दर्जा साल ब साल आगे बढ़ता रहता है लेकिन बाज़ ऐसे हैं जिसका शौक़ नहीं होता जो उसकी ज़रूरत महसूस नहीं करते जो दिल लगा के नहीं पढ़ते तो वो फ़ेल होते रहते हैं सपलियाँ आती रहती हैं मेडिकल कॉलेज में सपली नहीं आती तो ये तलब लेकिन पहले ज़रूरत हम हमारा इस वक्त ये हाल ये है कि हम दीन की ज़रूरत महसूस नहीं कर रहे ये असल यानी हमारी बीमारी है जो कमज़ोरी है दीन की तलब नहीं है अल्लाह के हुक्म के सामने सर झुकाना ये हमें यानी इसकी ज़रूरत ही हम महसूस नहीं कर रहे जबकि हुक्म तो बड़ा वाज है कि उत खुलू या लजीना आमन उत खलूफ़ल में काफा ए ईमान वालों ए ईमान का दावा करने वालों दीन इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ वला तबी वतो शैतान शैतान के नक्श कदम की पैरवी न करो तो अगरचे ये हुक्म वाज है लाजि है कि हम इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाए लेकिन वो आज हम नामुमकिन समझते हैं दीन इस्लाम में पूरे का पूरा दाखिल होना ये तो नामुमकिनमल समझते हैं बहुत से पढ़े लिखे लोग जो अल्लाह रसूल के नाम लेने वाले हैं वो उनके दिल में भी यही है कि आज वो अमल नहीं हो सकता जो हज़ूर सल्म का था या साहब के राम ने जो नमूना पेश किया था बहुत से दिलों में है तो बहरहाल ये तो एक लम्बी बहस है लेकिन मैं उस बहस में नहीं पढ़ता मैं तो सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि अगर आपको दानाई हासिल नहीं है तो फिर आपको दीन की न समझ आएगी ना उसका मज़ा आएगा ये बात नोट कर लें समझ हर चीज़ के लिए दुनिया में कोई भी चीज़ ले रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है मुख्तलिफ मशीनें पड़ी हुई हैं छोटी हैं बड़ी हैं लेकिन सबसे पहले तो आपने देखना है कि आपकी घर में ज़रूरत किस मशीन की है इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान का एक बहुत बड़ा स्टोर है मिसाल के तौर पे वाशिंग मशीन है फ्रिज है एसी है आटा गूंदने की मशीन है आ, बाल सुखाने की मशीन है वगैरह वगैरह <coughs> जूसर है ब्लेंडर है ये सारी लेकिन आपको पहले तो आपको यानी आप दुकान पे जाएंगे उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक्स की जब घर से आपको कोई तकाजा हो कि भाई ये हमारे एक जूसर ब्लेंडर चाहिए तो तब आप जाएंगे ज़रूरत ना हो आपको घर में किसी चीज़ की भी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है तो आप उस दुकान में नहीं जाएंगे जाहिर है कि वो जो चीज़ भी लेंगे तो उसकी तो फिर कीमत होगी आज अगर हम इस्लाम की तरफ़ रजू नहीं कर रहे अल्लाह ताला की कामिल बंदगी इख्तियार नहीं कर रहे तो इसकी वजह यह है कि हमें उसकी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही और उसकी वजह यह है कि हम जाहिरबीन बन चुके हैं और हमारा हम माशरे का साथ दे रहे हैं हम जो माशरा कर रहे हैं उसी रीत पर चल रहे हैं उसी लकीर के फकीर बने में जो लोग हमें नज़र आ रहे हैं और आम तौर पे आप ये बात कि भाई जिस तरह लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं तुम भी उस तरह ज़िंदगी गुजारो ये एक बहुत बड़ा वो था एक पीर साहब थे जो मैं तो कह सकता हूँ लेकिन आपको ख़ुद अंदाज़ा लगाना होगा एक लड़का था एक शख़्स के पास गया दीनदार आदमी के पास गया उसकी सोबत में कुछ दिन उठा बैठा तो लड़का था जवान तो उसने दाढ़ी मूंडता था तो उन सोहबतों से उसका ये हुआ कि उसने जो है ये मेरा चश्मदीद वाक़ है तो उससे ये हुआ कि उसके दिल में आया यार मैंने तो सुन्नत रसूल रखी नहीं और ये तो सुन्नत है और सुन्नत का इतबा ज़रूरी है और अल्लाह ने हुक्म दिया है तो उसने दाढ़ी रख ली फिर वो तलाश में गया किसी पीर की कि भई पीर की भी ज़रूरत है किसी रहनुमा की ज़रूरत है तो जिस रहनुमा के वो हते चढ़ गया ये मेरा आँखों दई का वाक़ है मैं आपको बयान कर रहा हूँ जिस रहनुमा के जिस पीर के हाँ, हाथों चढ़ गया वो ख़ुद मतब सुन्नत नहीं था इसने उसे चुन लिया तो सबसे पहले तो उस पीर साहब ने उसकी दारी कटवाई कि भाई ये क्या कर रहे हो ठीक ठाक आदमी थे और तुमने अपना होलिया बिगाड़ लिया जो लोगों का जिस तरह लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं उसी तरह ज़िंदगी गुजारो ये अलफाज थे वो पीर साहब के बहुत बड़े खानोदे से ताल्लुक़ था और सजादा नशीन थे तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप यानी आप देख लें यानी जो कदम रखें एहतियात से रखें दुनिया में आपकी ज़िंदगी महदूद है ग़लती की गुंजाइश नहीं है और हम गलती कर चुके हैं हम मुसलमान एक ग़लती कर चुके हैं कि हमने अपनी गाड़ी का रुख जो है ज़िंदगी की गाड़ी का रुख दुनिया के रास्ते पर डाल दिया है और ये एक उसका मसला नहीं है इसमें कोई ख़ास दलाइल की भी ज़रूरत नहीं है जो आपका सबसे निचला तबका है जो गरीब तबका है और जो सबसे ऊपर तबका है जो आज आला आपकी सदारत की और उसकी कुर्सी पर बैठा हुआ है ये सब एक ही कश्ती के शिकार के सवार हैं और वो दुनिया की कश्ती है दुनिया की गाड़ी में सब लोग बैठे हुए हैं और चल सो चल आप देख लें ये एक तूफ़ान बदतमीज़ी है बद अखलाक़ी है बद मैं कह रहा हूँ कि दीन का कोई तस्करा ही नहीं है अल्लाह और रसूल की कोई बात ही नहीं है अगर कोई कत करता है तो वो किस्से कहानियाँ हैं या तफरक़ा बाजी की बात होती है तो बहरहाल मैं मज़मून ये है कि ख़ैर कसीर हमत दानाई मई यू तल हकमत फ़कत ऊती खैरन कसीरा मैं असल में ये बात अगर हमसे मुतल नहीं होती तो मैं इसमें इतनी तवील बहस नहीं करता लेकिन ये हकमत और दानाई की हमें ज़रूरत है ये हमने हासिल करना है अल्लाह ताली फरमा रहा है यु तिल हकमत मई याशा अल्लाह फरमा रहा है कि मैं हमत दे देता हूँ जिसको चाहता हूँ इसके मैंने बात की है कि अल्लाह ताली क्या कोई ये नहीं है कि तकदीरी बात है ये ये तो कोशिश में है आप कोशिश करेंगे तो आपको हमत और दलाई दानाई से अल्लाह ताला नवाज देगा और ये मैं अपने आप से नहीं कह रहा ये कुरान की बात है और हदीस की बात है हदीस में आपको एक सुनाता हूँ अल्लाह के रसूल फ़रमाते हैं कि मन आमिला बे मा आलम वर बे मालम जिसने इल्म जिसने अमल किया जो उसे मालूम था अल्लाह ताला उसको ऐसे इल्म का वारिस बना देगा जो उसको मालूम नहीं था समझ में आ रही है बात है यानी जो आपको मालूम है उस पर तो कम से कम अमल करें और इसी तरह फिर आगे अल्लाह ताला आपकी राहें खोल देगा तो ये हमत और दानाई तो इसी तरह मिलेगी जो आपको मालूम है उसको आप फॉलो करें उस पर आप अमल करें अल्लाह ताला फिर वो बातें आपको बता देगा जो आपको नहीं मालूम ये तो हदीस में सुना रहा हूँ आपको अल्लाह ताला के यहाँ तो कोई यानी फ़र्क नहीं है मखलूक के दरम्या कुल्लाहावलाए बहाव लाए अल्लाह कुरान में लिखा हुआ है हर एक को मैं तौफीक देता हूँ इनको भी और उनको भी कोई अगर नेकी का रास्ता इख्तियार करना चाहता है तो मैं उसको उसकी तौफीक देता हूँ अल्लाह ताला ने कुरान में लिख दिया है कि बल्लजीना जाहद फीना लन् सुबुलना जिसने भी मेरे बारे में मेहनत की कोशिश की जादु फीना हमारे बारे में जो कोशिश करता है मेरे रास्ते पर चलता है अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं सुबुलना व दियन्ना सबुलना वमासिन बहुत से रास्ते खोल दूँगा अब खोल दूंगा रास्ते मतलब उसका सीना मैं कुशादा कर दूंगा फिर अल्लाह ताला क़ुरान में फरमाता है जिसके बारे में पमयर खैर यश रासद रहूल इस्लाम फ़हु अला नूर रब जिसके बारे में अल्लाह ताला खैर का इरादा फरमाता है तो उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है तो फिर वो अपने रब की तरफ से एक नूर पे होता है तो ये नूर रब्बानी जो है ये तो आप अपना सीना यानी खुलवा लें और वो कैसे कि आप तलब से खुलेगा अल्लाह ताला फरमाता है जो बंदा देखें ये मैं मुख्तलिफ़ कुरान और हदीस आपको सुना रहा हूँ अपनी तरफ़ से कोई बात इन नहीं कहूँगा <coughs> मैं आपको कह रहा हूँ ये हमत और दानाई आप हासिल कर सकते हैं पैगम्बर आया इसलिए है इसलिए पैगंबर को अल्लाह ताला ने भिजवाया है कि युअ युआल कम आयातना व ुक्की कम वताब अल हकमत पैगंबर की ड्यूटी ये है कि वो किताब और हकमत की बातें बताए अब सारी बातें तो हकमत की कुरान ने और हदीस ने बयान कर दी हैं यहाँ देखें हकमत की बात हो रही है लेकिन ये हमत तो एक खुली किताब है जो भी आप हासिल करना चाहें एक मंजिल बना लें आप अल्लाह को मंजिल बना लें अल्लाह के रास्ते पर चलें आपका सीना खुलता जाएगा इस्लाम के लिए वो नूर रब्बानी आपके सीने में दाखिल हो जाएगा अल्लाह ताला के रसूल ने यानी एक हदीस है उनकी कि ये नूर जब किसी सीने में दाखिल होता है मफहम उस हदीस का ये है तो इन फ़सख़ा वो सीना खुल जाता है सीना इस्लाम के लिए अल्लाह ताला उसका खोल देता है जब अल्लाह ताला किसी वो नूर वो नूर जब किसी सीने में दाखिल होता है तो सीना खुल जाता है इन फसखा के अल्फाज़ हैं तो साहबा बैठे हुए जो थे उन्होंने पूछा हजूर ये इसकी आलामत क्या हैं जब सीना इस्लाम के लिए खुल जाता है किसी का तो उसकी आलामत अब वो अत आप अपने दिल में भी देख लें तीन अलामत अल्लाह के रसूल ने बयान की अत त जाफी अनदारूर वल इनाबत अला दारूद व तहबलमात कबलूद अल्लाह के रसूल ने फरमाया उसकी ये हैं कि ये शख्स जो है ये दुनिया से पहलू तही करेगा ख्वाहिशात दुनिया से और ये जो भी दुनिया है इससे पहलू तही करेगा छोड़ेगा नहीं लेकिन दिल इसका नहीं लगेगा इसमें पहलू तही करेगा और वल इनाबत दारिल दारूद जो की कर घर है उसकी तरफ इसका तवज्जो होगी इनाबत होगी ये उसकी तरफ रुजू करेगा उसी के मुतल सोचेगा वलनाबत अला दारूद व दार ताहबुलमौत कबलूद और मौत के आने से पहले मौत के लिए तैयार होगा अब आप देख लें अपने आप में अगर ऐसी हैं तो अल्लाह ताला मुबारक करे आपको कि अगर तीनों आलामत आप में मौजूद हैं दुनिया से पहलू तही और आखिरत की तरफ लगाओ आखिरत की सोच में आप गुम रहे ये तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं आप देख लें आपकी सोचें का महवर जाहिर है कि बातिन है यकीनन आपके तो मैं बात नहीं कर रहा लेकिन इस माशरे की जिसमें आप रह रहे हैं इसके मतलब तो मैं यानी दावे से कहता हूँ कि ये इस माशरे को सिर्फ जाहिर की फ़िक्र है बातिन नो वे इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है न कोई आसार ऐसे लग रहे फिल वक्त ये तो बाकी तो हमें नहीं मालूम मुस्तबिल में क्या है लेकिन फिल वक्त कोई आसार नहीं लग रहे कि मुसलमान अल्लाह की तरफ़ रुजू कर ले, लेना आम अनु तख्शा क्लूब हम ज़िक्र क्या नहीं आया मोमिनों के लिए वक्त वो, वो वक्त कि इनके दिल झुक जाएं अल्लाह की याद तो इस वक्त तो अल्लाह के सामने हमारे दिल झुकने के लिए तैयार नहीं है हम हमारा दिल झुका हुआ है हम सिर सिर निगु हैं हम सिजदरेज हैं दुनिया के सामने और हमें कोई शौक ही नहीं है अल्लाह का कोई शौक ही नहीं है कोई उम्मीद नहीं है अल्लाह से मुलाकात में आपको बार बार कहता रहता हूं अल्लाह की तोफ़ी और उसके फजल से मैं आपकी तवज्जो दिलाता रहता हूँ लेकिन मजाल है कि अल्लाह की मुलाकात का कोई शौक़ पैदा हो जाए में, कोई सुनने के लिए ये बात तैयार नहीं है वो तो एक अलग बात है बहरहाल खुलासा कलाम यह है कि हिकमत की बात आपकी और मेरी ज़रूरत है कि हमारा दिल खुल जाए हम दाना हो जाएँ दानाई से हमारा दिल लबरेज़ हो जाए और ये समझ आ जाए हमें कि बंदगी रब की लाजमी ज़रूरत है हमें अल्लाह के सामने सर झुकाने की लाजमी ज़रूरत है ये काश हमारी समझ में आ जाए और हमारा सर अल्लाह के सामने अल्लाह के हुक्म के सामने झुक जाए इस वक्त तो गैर अल्लाह के सामने हमारा सर है लेकिन वो तो आपको देखना होगा लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि ख़ैर कसीर से हमें नवाज दिया जाए लेकिन ये खैर कसीर आपको मिल सकती है ये दानाई आपको मिल सकती है अगर आप उसके लिए इरादा कर लें सबसे पहले तो आप ज़रूरत महसूस करें देखें ज़रूरत के मैं जोर दे रहा हूँ इस पर लेकिन आप ख़ुद देख लें आज अगर दीन से हमने मुंह मोड़ लिया है क़ुरान से हमने अपनी पीठ फेर ली है Uh, सुनत रसूल पर अमल करने से अगर हम फिर गए हैं यानी वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त हमारे सामने रोल मॉडल नहीं है आपके जो वज़ी आजम हैं वो कभी कहते हैं मेरा मुस्तफा कमाल रोल मॉडल है कभी क्या कभी क्या मुख्तलिफ रोल मॉडल हैं तो हमारे सामने रोल मॉडल हुजूर की ज़ात नहीं है कम अज़ कम वो क्या वजीर अज़म और क्या रेडीबान सब एक ही थैली के चड्डे बट्टे हैं और सब ने अपना रुख जो है वो दुनिया की तरफ ज़ाहिर की तरफ रुख कर लिया है और हम इस वक्त सोच भी नहीं सकते कि कामिल बंदगी अल्लाह की इख्तियार कर ली जाए और अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के लिए वक्फ़ कर दिया जाए और कह दें यह नारस्ताना के लब्ब अल्ला लब्बैक लब्बैक अला शरीक लब्बैक इ अल हमदव नहमतवल कलाक और ये भी आपको कहना होगा कि वजह तरस समावल हनीफ़म वमा अनुमशरक मैंने अपना रुख फेल लिया है उस ज़ात की तरफ़ जिसने ज़मीन और आसमान पैदा किए मैं यकसूँ हूँ मैं मुशरक़ नहीं हूँ तो बहरहाल ये सारी बातें हैं लेकिन जो आयत नंबर दो सौ उनहत्तर है 269 इसमें हमत की बात है और मैं मेरी कोशिश ये है कि आप हमत अल्लाह ताला आपको दे दे लेकिन ये देना जो वो देने के लिए तैयार है लेकिन आप लेने वाले बन जाए ये ऐसा नहीं है देखें तलब नहीं होगी तो आपको कुछ नहीं मिलेगा ये तो दुनिया का कानून का है किसी गिलास आ, कमरे में फ्रिज रखा है ग गर, सख्त गर्मी का मौसम है आप आ, पानी रखा हुआ है लेकिन अगर तलब नहीं है आपकी तो पानी आप नहीं पियेंगे उठ के पानी पीना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आप कहते हैं मुझे तो तलब ही नहीं है पानी पीना पानी में पीने में क्या है एक गिलास वैसे ही इंसान भी लेकिन आप कहते हैं मुझे प्यास ही नहीं है तो वो तलब की बात है तलब सबसे पहले जो है वो तलब का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और तलब कैसे होगी? सोचो पे पे पैदा होगी ये सोच विचार से पैदा होगी तफक्कुर से पैदा होगी आपने अल्लाह की निशानियों को उसके लिए फिर यह है कि फ़िक्र के लिए आपने अल्लाह की निशानियों को देखना होगा आप ख़ुद अल्लाह ताला की सबसे बड़ी निशानी है अपने बारे में गौर व फिक्र करें अपनी हकीक़त के बारे में गौरव फिक्र करें कि मेरी हकीक़त क्या है मुझे अल्लाह ताला ने यहाँ दुनिया में क्यों भिजवाया है क्योंकि हम तो अल्लाह के हैं अल्लाह की तरफ से आए हैं और अल्लाह की तरफ वापस लौट के जाना है लेकिन ये जो ज़िंदगी गुजारने का अल्लाह ताला, ताला ने हमारा एक अहतमाम किया है साठ साल सत्तर अस्सी जो भी है ये जिंदगी क्यों दी है ये आप सवाल करें फिर आपको इसका जवाब अल्लाह और रसूल के सिवा कोई भी नहीं दे सक किसी की ना सुने अल्लाह की और रसूल की सुने जब अल्लाह और रसूल की हम सुनते हैं तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ए इंसान तुम्हारी मंजिल तो मैं हूँ वो और तुमने मेरे दुनिया में तैयारी करके मेरे पास आना है और तैयारी के लिए तुमने मेहनत करनी होगी या अयो हल्ल इंसान का कादहन इला अलाब का कदहन फमुलाक़ी ए इंसान तुम खूब मेहनत करो खूब मेहनत करो अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी मुलाकात उससे हो जाएगी फिर अल्लाह ताला ने यह भी फरमाया कुरान में बिल्कुल वाजह तौर पे फमन का नर्जु लख़ा रब ही फ़ल अमल अमल वला युशरग ब इबादत रब्ब ही अहदा जिसकी भी उम्मीद हो जो उम्मीद रखता हो जो मुलाकात का शौक़ रखता हो तो उसको चाहिए कि अमल साल करे उसके लिए फिर अमल करे जो तकाजा है ईमान का ईमान ले आए और ईमान के तकाजे पर चले यानी सीधे रास्ते पर चले वला युशरिक बे इबादत रब ही अहदा और अपने रब की बंदगी में रब की मोहब्बत में रब की इताअत में किसी को भी शरीक ना करें मैं तलावत करता हूँ लेकिन तलावत से पहले अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना मैं लाजमी समझता हूँ कि ये जो आयत नंबर दो सौ उनहत्तर है इसके मजामीन को अल्लाह ने इसके लिए मेरा सीना खोल दिया और आपने आ, सुनने की तोफ़ी अल्लाह ने नेता की और मैं अब तिलावत करता हूँ मेरे साथ दोहराइए आऊजिल्ल मिनशीम बसमीम यु तिलहक मतमकमत फ़कद ऊत खैरन कसीरा وما يذكر तिल إلا हकमत من يشاء तर्जुमा सुना दे आता करता है हकमत जिसको चाहता है वमई युतल तल हकमत फ़कत ऊत या खैरन कसीरा और जिसको भी हकमत आता कर दी गई उसको एक खैर कसीर अता किया गया समझ ले वमा यज़्ज़करु इल्ला उलुल अल्बाब नसीहत तो सिर्फ अक्लमंद ही इस बात से हासिल करेंगे अभी नायत की तलावत और तर्जुमा أعوذ بالله من الشيطان الرجيم पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूत से अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निम वाला है यु तिल हिकमत मई मई तल हमत फकदीआ

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم